वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज एक न्यू और फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो आज की क्लासेस में हम स्टार्टिंग सबसे पहले कोरिलेशन से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आया कि सर कोरिलेशन क्या है और ये क्यों है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। खैर, एग्जाम में आपको कोरिलेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये चीज थर्ड स्टेप पे आती है। सबसे पहले आप ये समझिए कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन को समझने से पहले आपको रिलेशन को समझना होगा कि रिलेशन क्या होता है। जाहिर सी बात है, आपके भी बहुत सारे रिलेशंस होंगे, आपकी फैमिली है, फादर के साथ में, मदर के साथ में, ब्रदर के साथ में, और दूर के भी रिलेशंस आपके साथ में होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, कैसे पता लगेगा कि कोई आपका रिलेटिव है, किसी के साथ आपका रिलेशन है। वो इस चीज से पता लगता है कि अगर उसको किसी भी चीज से वो इफेक्ट हो रहा है तो आप भी इफेक्ट हो रहे हैं। अगर उसको दुख है तो फिर आप भी दुखी हो गए देख करके, वो खुश है तो उसको देख के आप भी खुश हो गए। मतलब अगर उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो आप पर भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करता है या आप उससे रिलेट करते, कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इससे पता लगता है कि भैया आप दोनों में रिलेशन है। लेकिन रिलेशन होना एक अलग चीज है और रिलेशन की इंटेंसिटी होना एक अलग चीज है। जैसे कि कोई दूर दराज में, गांव में, या फिर चचेरे में, या फिर जो है दादा के भाई बहन में और रिलेटिव्स में कोई एक है जो किसी वजह से किसी समस्या में है, तो आपको इफेक्ट पड़ेगा, आपके रिलेटिव है। लेकिन अगर आपके परिवार में से, पापा मम्मी भाई बहन में से ही कोई मान लो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में, तो आपको उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो रिलेशन उससे भी है, इनसे भी है, लेकिन रिलेशन की इंटेंसिटी डिफर है। तो इसलिए कोरिलेशन भी क्या है कि जो डेटा है, यहां तो मैं एक रिलेशंस की बात कर रहा था, लेकिन जो डेटा भी इसी तरीके से क्या होते हैं कि एक डेटा पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो इसका इंपैक्ट दूसरे डेटा पर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो जो प्राइस का जो डेटा है उसमें चेंज आ रहा है तो आप देखेंगे डिमांड डिक्रीज हो रहा होगा। आप इस बात को समझिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलेशन का। तो डेटा में भी रिलेशन पाया जाता है, और रिलेशन किस तरीके का पाया जाता है उस बात को समझिएगा। रिलेशन तो डेटा में दो तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा आपको। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। एक बच्चे, लाइक मान लीजिए प्राइस है एंड डिमांड है। तो प्राइस 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए, और डिमांड जो है आपका वो 100, कम हो रहा है 90, 80, 70। तो प्राइस जो है आप देख पा रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट आपको जो है डेटा पर भी देखने को मिल रहा है कि डेटा आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है। 90 यूनिट्स, 80 यूनिट्स और 70 यूनिट्स। तो यहां पर आप इस बात को देख रहे हैं कि दोनों डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे कोरिलेटेड, कोरिलेशन। क्लियर है? और ये किस तरीके का कोरिलेशन होगा बच्चे? ये कोरिलेशन आपका, अगर एक आपका क्या हो रहा है, एक अगर आपका बढ़ रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। एक तो आपको नेगेटिव रिलेशन इसे कहते हैं। इसमें आपका जो रिजल्ट ऑलवेज, आपका जो आंसर है वो आपका कैसा रहने वाला है? नेगेटिव आपका जो है आंसर रहने वाला है। और एक आपका होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक प्राइस का और सप्लाई का। प्राइस आपका 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 10 रुपए पे आपका 100 यूनिट्स की आप सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्राइस आपका इंक्रीज हुआ तो अब आप 120 यूनिट की सप्लाई करने लग गए, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई ज्यादा होती है, तो अब आप 140 यूनिट्स की सप्लाई करने लग गए। तो आप देख रहे हैं प्राइस इस डायरेक्शन मूव हुआ, सप्लाई भी उसी डायरेक्शन मूव हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव
पॉजिटिव रिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बेसिकली रिलेशन कितने तरीके के आपके होते हैं? दो तरीके के, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपको इस चैप्टर में हमें डेटा के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिलेशन कैसा है, या रिलेशन है भी या नहीं है। तो हमें यहां पर रिलेशन को फाइंड करना है, और रिलेशन दो तरीके के होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और रिलेशन की इंटेंसिटी को भी चेक करना है कि रिलेशन कितना ज्यादा आपस में हाई डिग्री है, मतलब कितना क्लोज रिलेटेड है। जब एक डेटा जिस जितना मूव हो रहा है उसमें जैसा इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे में भी वैसा ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो मतलब काफी ज्यादा रिलेटेड है। आपने जुड़वा मूवी देखी होगी, एक को जैसे जहां चोट लगा दूसरा वैसे ही फील करता है, तो मतलब बहुत ज्यादा क्या है, ये आपस में रिलेटेड है। तो एक डेटा में जैसा चेंज आ रहा है सेम प्रोपोर्शनेट दूसरे डेटा पर भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इसको कहते हैं। और कई बार होता है डेटा में चेंज आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है बट उतना नहीं आ रहा, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आ रहा है तो आ रहा है, उसे हम लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। और एक डेटा में चेंज आया दूसरे में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसको हम नो कोरिलेशन बोलते हैं। इन सब बातों को समझेंगे धीरे धीरे। फिलहाल आप कोरिलेशन का मतलब समझ में आ गया आपको कि एक डेटा में जो चेंज आता है इसका इफेक्ट दूसरे डेटा पर भी पड़ता है, इसका मतलब है दोनों डेटा एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और ये दो तरीके के रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन और एक होता है आपका नेगेटिव रिलेशन। अब रिलेशंस की बात तो हो गई है, अब इनकी इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो उसको डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं, जो हाई डिग्री ठीक है ना, और मॉडरेट या फिर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो सकता है। कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेथड्स ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशन, मेथड्स कितने हैं? बेसिकली तीन मेथड्स हैं, एक स्कैटर डायग्राम मेथड है, एक कार्ल पियर्सन मेथड है, एक रैंक कोरिलेशन मेथड है। तो पहले आज की क्लास में हम स्कैटर डायग्राम को समझ लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या है। अगर आपके पास में बच्चे देखिएगा दो, आप इस कोरिलेशन में आप देखेंगे तो आपके पास में दो सीरीज गिवन होगी। इस बात को समझिए आप कि आपके पास में क्या होगा, आपके पास में दो सीरीज गिवन होंगी। तो एक सीरीज का आप अपने जो है एक्स एक्सिस पे रख लीजिए, दूसरी सीरीज को वाई एक्सिस पे रख लीजिए, और आप क्या करें, आप एक ग्राफ बना ले। मैं भी ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा आपको, एक ग्राफ बना ले। अगर वो ग्राफ आप बना रहे हो और ग्राफ कुछ इस तरीके से सारे पॉइंट सीक्वेंस में बैक टू बैक लग गए, तो इसका मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है आपका, तो इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर एक में जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, एक में जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, देखेंगे अगर आप एक अगर बढ़ा एक्स वाला तो वाई वाला भी बढ़ गया, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट है, ये सीक्वेंस में है, बैक टू बैक है, इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर सेम प्रोसेस है बट वो स्लोप उसका डाउनवर्ड है, तो इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। इस सिचुएशन में अगर एक बढ़ेगा दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट एक में 20% का इंक्रीमेंट आया तो दूसरे में भी 20% का जो है वो डिक्रीज हो गया। तो जैसा इसमें चेंज आया वैसा उसमें चेंज आया, बस इनवर्स चेंज आया, तो बस वो नेगेटिव आपका कोरिलेशन हो गया, बट परफेक्ट है। जैसा चेंज इसमें वैसा चेंज दूसरे सीरीज में भी देखने को मिल रहा है, क्लियर है? और इसको लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव भाई, स्लोप पॉजिटिव तो पॉजिटिव कोरिलेशन, स्लोप नेगेटिव तो नेगेटिव कोरिलेशन, स्लोप पॉजिटिव तो पॉजिटिव कोरिलेशन, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन। जब आपका कोई लाइन ही ड्रॉ ना हो तो नो कोरिलेशन, जब कोई लाइन ही ड्रॉ ना हो, कोई स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ ना हो तो कोरिलेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉइंट्स आगे पीछे बट एक सीक्वेंस बना रहा है बट आगे पीछे हैं थोड़े, और इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अब आपको पता लग गया, अब इसी का डायग्राम बना के देख लीजिए जरा कि क्या है डायग्राम। अगर एक डायग्राम में बना के आपको दिखाता हूं, ये स्कैटर डायग्राम है आपका, दो एक्सिस लेना है आपको, ओरिजिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। बच्चे मेरे पास तो स्केल तो नहीं है, तो स्केल नहीं है तो प्रॉपर है ना मेजरमेंट करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट देखता हूं क्या था स्केल मिल जाए। है तो इसमें स्केल बट मेरे को उसका आइडिया नहीं है, टूल्स में कहां मिलेगा स्केल बताओ, कैलेंडर में, ब्राउजर में, राइटिंग बोर्ड में, क्लॉक में, ऑब्जेक्ट नहीं, में टाइमर में, टेकिंग एक्सिस नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, फिजिक्स मैथ्स में मिलेगा मेरे को स्केल। हाँ
इक्वल मेजरमेंट ले लेते हैं, क्लियर है बच्चे? डायग्राम प्रॉपर बनेगा फिर आपका। एक डायग्राम बना दूंगा बच्चे बस में, क्योंकि देखिएगा टाइम बहुत लगता है, मेरे पास स्केल थोड़ा वैसा नहीं है, यहाँ रखते हैं उसको, बाद में जरूरत पड़ने पे निकाल कर। हाँ जी, ये कुछ है आपके पास पे। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 4, 5, 6, 8, 15 तक है, तो अगर मैं दो दो का लेके चलूँ तो बेटर है ना। मैक्सिमम कहाँ तक है? 15 तक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और वाई एक्सिस पे मेरे पास में 12, 18, 24, 30, 36। 10 का लेके चलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक ही है। हाँ बस बहुत है। अब आप देखेंगे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, एक्स चार है और ये 78 है, एक्स चार है और ये 78 है, तो 4 पे 78 दिस वन। अच्छा जी, देख लेते हैं 4 पे क्या है। 4 पे 78 लगभग लगभग यहां है, और उसके बाद आपका 5 पे 72 है, तो 5 तो इसका बिल्कुल मिड में होगा, और 5 पे 72 है दिस वन। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ठीक है। पांच पे क्या 72 है, तो 5 पे 72, तो 5 आपका ये रहा 72, और 6 पे 66, तो 6 ये रहा और 66, सो 66 65 66 60, और आपके पास में 7 पे 60, 7 पे 60, 8 पे 54, 8 पे 54, 50 से थोड़ा सा ज्यादा दिस वन, और 9 पे 48, 9 यहां पे होगा आपका और 48, 50 से जस्ट नीचे, और आपका 10 पे 42, 10 पे 42, तो 40 थोड़ा सा बस इससे ऊपर, 10 पे 42, और उसके बाद 11 पे 36, 11 ये बीच में हो गया और इस पे 36, तो 40 से नीचे 5 और ये 36,
और आपके पास में यहां पे रहेगा 12 पे 30, 12 पे 30, 12 पे 30, 13 पे 24, बीच में आ जाइए, 13 पे 24 और 14 पे 18, 14 पे 18, दिस वन, और आपका 15 पर 12, 15 पे 12 पॉइंट। इन पॉइंटों को देखें जरा कि पॉइंट हैं कैसे, ध्यान से देखिए इन पॉइंट को। ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये क्या है? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। और आप देखेंगे स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब ड्रो द स्किटर डायग्राम, ये आपके ऊपर काम है, आपका टास्क है, ये आप करेंगे। मैं बात करता हूं कोवेरियंस की। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर कोरिलेशन में तो हमें एक्स एक सीरीज, एक वाई सीरीज दिया हुआ होगा, दोनों को डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, फिर नो कोरिलेशन है। लेकिन ये कोवेरियंस क्या होता है बच्चे? जैसे कि कोरिलेशन दो बातें बताता है, एक तो रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव या रिलेशन नहीं है, वो भी बात बता देगा। उसके बाद कोरिलेशन को भी हम आगे करेंगे, अभी तो सिर्फ स्कैटर डायग्राम हुआ है, लेकिन कोरिलेशन इस चीज को बताता है कि रिलेशन की इंटेंसिटी क्या है, मतलब डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है, ये भी कोरिलेशन बताता है। लेकिन कोवेरियंस का सिर्फ यूज एक ही चीज के लिए कि भैया इनमें रिलेशन है या नहीं है, और है तो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इस बात की जानकारी आपको वेरियंस से मिलती है, और वेरियंस से किसी बात की कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। क्लियर है? लेकिन वेरियंस से आपको रिलेशन का पता लग जाता है भाई कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव या नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो आइए वेरियंस के बेसिकली दो तरीके, तीन मेथड्स, अलग अलग मेथड्स करेंगे। एक तो आपके पास में समीशन एक्स वाई अपॉन में एन, कोवेरियंस एक्स और वाई। अब ये क्या है पहली चीज, तो आइए एक एक को सवाल के थ्रू करके देखेंगे, तभी आप बेटर समझ पाएंगे। बात कर रहा हूं पहली चीज की, कोवेरियंस एक्स वाई। क्या आपके पास में सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, जैसे ये क्वेश्चन है, तो एक काम करा करें, मैं कोवेरियंस निकालने के लिए बात कर रहा हूं, कोवेरियंस एक्स एंड वाई, कोवेरियंस एक्स एंड वाई, सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन एन, दिस वन। अब ये क्या है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे आप, क्या तो इस टेबल को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, स्मॉल एक्स आएगा, वाई से स्मॉल वाई आएगा और एक्स इंटू वाई आएगा, दिस वन, फॉर स्मॉल एक्स, फॉर स्मॉल वाई, एक्स इंटू वाई। हाँ जी, तो सबसे पहले पहला सवाल है कि सर ये स्मॉल एक्स क्या है, पहला सवाल है कि सर ये स्मॉल एक्स क्या है? तो आप क्या करो, एक्स में से इस एक्स सीरीज का मीन माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्स बोलते हैं। आप पहले एक्स का मीन क्या होगा, तो आपको इंडिविजुअल सीरीज होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है सर मीन कैसे निकालेंगे। मीन का मतलब क्या होता है कि डेटा को इक्वल इक्वल शेयर कर दो। जैसे कि मान लो कि रिश्तेदार, आपके घर में 3 बच्चे हैं, रिश्तेदार एक को 10 रुपए देके चला गया, एक को 20 रुपए देके चला गया और एक के हाथ में 30 रुपए देके चला गया। उनके रहने तक तो घर में शांति थी, जाते ही इनमें लड़ाइयां चालू हो गई है कि भैया मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, मुझे कम मुझे ज्यादा। तो इस स्थिति में क्या हुआ, आपने एज अ पेरेंट्स उन बच्चों से पैसे को कलेक्ट कर लिया, बोला लाओ मुझे दो, तुम ऐसे आपस में लड़ते रहोगे, और 3 बच्चों में बांट दिया, सब में बराबर बराबर बांट दिया। आप कह दिया आपने आप कोई नहीं लड़ेगा,
तो इसको कहते हैं मीन। डेटा को कलेक्ट कर करके और सब में डेटा को इक्वली शेयर करेंगे तो ईच की शेयरिंग में कितना आएगा पर हेड, उसको हम क्या बोलते हैं, जो एवरेज बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो अब ऐसे ही एक्स का आप एवरेज निकालोगे तो पहले एक्स का सम कर दोगे आप, तो सम करोगे आप समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, तो एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स करेंगे अगर आप, तो क्या आएगा आपके पास में 3 और 4 7, 7 और 5 आपका 12, 12 6 18, 18 और 7 आपका 25, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 है, तो x बार इक्वल्स टू क्या आया आपका 5 आया। तो बस आप x में से आप 5 माइनस करो तो क्या आएगा, -2 -1 0 1 2, और इसी तरीके से आप जो है y में से क्या करोगे, y का मीन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपका जो है स्मॉल y आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, अब y का जो मीन है, अब मैं मीन निकाल रहा हूं किसका, y का, कैसे, समीशन ऑफ y अपॉन में n, समीशन ऑफ y कॉलम और अपॉन में n, तो आपका मीन निकाल रहा हूं मैं y का, तो समीशन ऑफ y कितना आएगा, तो y मेरे पास में आएगा 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 और 30 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज मीन ऑफ y इक्वल्स टू 6, तो 6 आप माइनस करोगे तो क्या जाएगा 2 1 0 -1 -2, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप x इंटू वाई करेंगे स्मॉल वाले कॉलम को, तो आप करेंगे तो क्या हो गया -4 -1 0 -1 एंड -4। अब समीशन ऑफ आप x y करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको दे रहा है, ये आपके पास पे 4 और आपके पास 5 और ये 6 और ये 10, तो माइनस का 10 दे रहा है। अब बस आप कोवेरियंस ऑफ x एंड y अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या है आपके पास में, सिग्मा एक्स वाई माइनस 10 और अपॉन 5, तो ये कोवेरियंस आपके पास में x और y क्या आ गया, को -2। बस ये बता रहा है इस चीज को कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, डिग्री नहीं बताएगा क्या है, बस क्या है, देर आर नेगेटिव कोरिलेशन, क्या है यहां पे, देर आर नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है बच्चे, उम्मीद करता हूं आप कोरिलेशन को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, चीजें आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब कैलकुलेट द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉलोइंग डेटा। चलिए दूसरे मेथड से अगर हम निकालते हैं, दूसरा मेथड भी हमारे पास में, जिसमें कि एक्स वाई अपॉन एन, देखिए दूसरा फॉर्मूला वही है, यहां पर क्या है, मीन की जरूरत नहीं है, हम अपने एक्स सीरीज और वाई सीरीज से ही काम कर लेंगे, जो गिवन सीरीज है वही एक्स इंटू वाई अपॉन एन, वो तो सेम एज इट इज रहेगा, बट मीन वाला नहीं है, स्मॉल एक्स नहीं है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन, मतलब कि आपके पास में क्या हुआ, x का मीन इंटू y का मीन, तो आप वही काम करेंगे जैसे यहां देखिए। तो अगर आप कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, कोवेरियंस निकालना है आपको किसका, x और y का, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स का मीन इंटू y का मीन। क्लियर है बच्चे, सॉल्व करेंगे तो आइए कॉलम बनाते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे आप बच्चे तो आपको पहले x और y निकालना है, x और y, तो आपके पास में क्या आ गया 6, ये आपके पास में आ गया 18, आपके पास में आ गया 18 बच्चे 28,
40, 30, क्लियर है? 91, सॉरी 94, 24, यहां तक क्लियर है या नहीं आपको ये बताएं। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट है तो किसी बच्चे को बोले मुझे। 153, तो आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? सबसे पहले समीशन ऑफ एक्स वाई, तो 6 और 8 14, 14 और आपके पास में 8, 22, 22 और आपके पास में 8, 30 और आपके पास में 8, 38, 38 और आपके पास में 3, 41 का 1 और 4 कैरी कर दिया, तो 5, 6, 8, 12, 15 और 9, 24 और 2, 26, 26 और 5 आपका 21 और 1, 22, 2 और 1, 3, 321। सर 84 होगा, 94 कीजिएगा। एक सेकंड भाई, कहां गड़बड़ कर दिया हमने? ओहो अच्छा, 82 84, सॉरी जी गड़बड़ हुई है। 24, 84 होगा। आइए सम करते हैं इसको। 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और आपका 8, 38, 38 और 3, 41 का 1 और 4, 5, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15 और आपका 8, 23, 23, 2, 25, 30 और 31, 1 और 3 और ये 4, 411, तो समीशन एक्स वाई 411 आ गया। अब क्या चाहिए मुझे? समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो समीशन एक्स तो मुझे मेरे पास में यहीं से मैं ले लूंगा। तो क्या लें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है तो क्या होगा? 10 और 11, 55 होगा, ये जोड़ लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि n लगा देता ना फॉर्मूला, n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 55 होगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं y को जोड़ते हैं, 6, 9, 15, 15 और 6, 21, 21, 27, 28, 28 और 8, 36, 36 और 5, 41, 41 और 10, 51, 51 और आपके पास में 2, 53, 53 और 3 आपका 54, 54 और 10, 64, 64 और आपका 7, 71, 71 और 1, 72। ठीक है बच्चे? हाँ जी, सॉल्व करते हैं तो कितना है? 411 बटा 10 माइनस 55 अपॉन 10 इंटू 72 अपॉन 10। आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो खैर आप 1/10 कॉमन ले सकते हैं, आप चाहें तो ले लीजिए कॉमन, अदरवाइज सीधा इसको कैलकुलेटर है ना आपके पास में, टाइम क्यों वेस्ट करना। क्या होगा बताइए जरा? 411, 441, तो खैर हो जाएगा आपके पास है 4.1 माइनस 5.5 इंटू 7.2, 44.1 माइनस 5.5 इंटू 7.2, 39.6, 44.1 माइनस 39.6, 4.5। क्लियर है बच्चे? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 74 कोई नहीं, 7.4 कर देते हैं। फोर्टी फोर पॉइंट वन माइनस 5.5 इंटू 7.4, 40.7,
44.1 माइनस 40.7 3.4, और आपके पास फिर आंसर क्या है, पॉजिटिव आंसर आया, तो मतलब बस इतना ही लिख सकते हो आप, क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चार सौ ग्यारह ने गलत लिख दिया मैंने। ये होगा, तीन ज्यादा लिख दिया मैंने। तीन ज्यादा लिख दिया तो आंसर तीन कम आएगा। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई गिवन दैट द सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, और आपके पास में एक्स इंटू वाई एंड एन, तो आपके पास है फॉर्मूला क्या है कोवेरियंस का? अगर आपको कोवेरियंस निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास में सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, ये रहेगा फॉर्मूला। तो सिग्मा एक्स और वाई दिया हुआ है आपके पास में 574 और एन आपका 10, सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है 60/10 और आपके पास पे सिग्मा वाई दिया हुआ है आपके पास में 90/10। सिंपली सॉल्व करेंगे 57.4 माइनस 54 3.4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लासेस में आपको जो है कोवेरियंस अच्छे से समझ में आ गया हो, होगा। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। ये देखिए आपका स्केल आपका इंतजार कर रहा है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है बच्चे? हाँ जी, अभी पेंडिंग है जो है ज्योमेट्रिक भी और हार्मोनिक भी, और अब कोरिलेशन पहले जल्दी से खत्म कर करके जो मीन में कुछ एक आधा टॉपिक थोड़ा सा रह गया उसको भी फिनिश कर करके 3 मिनट कवर हो जाएगी आपके, फिर आपके पास में रह जाएंगे टाइम सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन कोरिलेशन बड़ा चैप्टर है, अभी नहीं हुआ खत्म, चलेगा अभी कोरिलेशन, अभी चलेगा कोरिलेशन, चलेगा फिर रिग्रेशन चलेगा, बहुत कुछ है इसके अंदर, वो सब चीजें देखनी है अभी आपने। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।